नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन जानने वाले विद्या सपाटन अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, विभिन्न पुरस्कारों के प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता पार्ट वन हमने कल पढ़ाया आपको और बताया। आप लोगों के कमेंट देखा ना तो पता है दिल भर जाता है यार। मतलब हम लोगों को और क्या चाहिए, अपने बच्चों का प्यार ही तो चाहिए। आप सिलेक्शन लीजिए, हमारे हमसे पढ़कर अगर सिलेक्शन लेते हैं तो एक टीचर को उससे बड़ी खुशी और कुछ मिलती ही नहीं है। इसीलिए हमने इसे पार्ट टू में भी लेकर आए ताकि छोटा छोटा ही मिले, पाँच पाँच मिनट की वीडियो हो लेकिन आपको याद रखने में आसानी हो, आपको ये पता चले कि स्टैटिक जीके में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। डियर, नीचे दो लिंक देख रहे होंगे आप। पहला लिंक है, ये चैनल है जीएस बाय रोहित बाबा, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, और ये जीएस गाइड वन, जहाँ पे आप अपने क्वेरी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कुछ इमेज खींच करके भी डाल दो ना यार, दिखेगा तो मैं जवाब दे ही दूंगा, यूज तो करो। और ये आपका शेड्यूल, जहाँ भी आप देख जुड़ चुके हैं 6:30 बजे शाम के 6 बजे आरआरबी एनटीपीसी जीके साइंस देखते हैं, 7 बजे शाम को बिल्कुल जुड़ना मत बोलना, 1 घंटे का शो, क्वेश्चन के अलग अलग लेवल आपको देखने को मिलते हैं। 9 बजे आरआरबी एनटीपीसी देखते हो आप कहाँ वाईफाई स्टडी पे, और अनअकैडमी पे आपको स्पेशल लेक्चर लेकर आते ही हैं, स्पेशल लेक्चर आपको लेकर देते ही हैं। तो ये देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है खास आज के। और भैया इतने सारे चैनल बना दिए गए सर, सब आपके लिए हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, एसएससी की तैयारी करते हैं एसएससी एग्जाम को सब्सक्राइब करिए, बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब करिए, लेकिन फायदा उठाइए। सबसे पहले बच्चों ये तो बता चुका था ना मैंने, हाँ ये बता चुके थे कि सारा हो चुका था कल, देखना ये सबका सब बता चुके थे मैं, ये सारा का सारा बता चुका था। अब आते हैं खेल पुरस्कार में, अब आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड में, यानी सर राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड 1992 में की गई थी, 1992 में किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, विश्वनाथन आनंद, जिसके तहत 7.5 लाख रुपये प्राइज मनी दिया जाता है। 7.5 लाख रुपया पुरस्कार राशि दी जाती है, किसमें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत। बात समझ में आ गया। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, याद रखना। अब आपके लिए होमवर्क है, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कम से कम इस बहाने तो पलट लें कॉपी अपनी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्राप्त पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है बच्चे, कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के 11वें प्राप्तकर्ता, एक मिनट रुकना, फर्स्ट होगा बच्चे, यानी पहले प्राप्तकर्ता, यानी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, अपर्णा घोष है। कौन है, अपर्णा घोष है, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जितने स्टैटिक जीके देख रहे हो ना डियर, ये सब के सब आपके पेपर में पूछेगा बिल्कुल, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रख लेना। चाहे रेलवे के एग्जाम दो, आईसीएससी के एग्जाम दो, या कोई भी एग्जाम दो, स्टैटिक जीके पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी, फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बी अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड, सलीम दुर्रानी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, सलीम दुर्रानी है। अब आते हैं गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य पुरस्कार, जो सेना को युद्ध में या युद्ध के बाद भी प्रदान किए जाते हैं, कुछ अवार्ड ऐसे हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले और केवल वायुसेना के व्यक्ति, ये देखो टर्म लगा हुआ है, यानी केवल वायुसेना, एयरफोर्स में, एयरफोर्स की जो आर्मी कह दें, एयरफोर्स कह दें नहीं, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखोन, निर्मलजीत सेखोन है परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति
वायुसेना के पहले व्यक्ति। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निर्जा भन्नोट, मूवी आई थी याद होगा, निर्जा भन्नोट की मूवी आई थी भाई, देखा था ना, अनिल कपूर की पुत्री ने एक्टिंग की थी। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निर्जा भन्नोट 1987 में मिला था। जो एयर होस्टेस रहती है, जान बचाती है, उसी में मार दिया जाता आतंकवादी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यू थॉन्ट 1965। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यू थॉन्ट। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, क्योंकि उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की शुरुआत हम बोल सकते हैं 1995 में की गई थी, तभी तो पहले प्राप्तकर्ता चंद्रशेखर हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये राज्यसभा के सांसद थे जब प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन आता है ना राज्यसभा के सांसद, तो भैया ईद में गम, सॉरी चंद्रशेखर ने गुजराल थे, माफी चाहेंगे, देखो याद आ गया, इंदिरा गांधी, देवी गौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह, चार थे। यानी कौन थे? इंदिरा गांधी, देवी गौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह। वही मैं सोच रहा हूँ यार, चंद्रशेखर ये बलिया के थे, चंद्रशेखर कहाँ के थे? बलिया के थे। ठीक है बच्चे, माफी चाहेंगे। तो ये थे कौन? इंदिरा गांधी, देवी गौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये चार सिक्वेंस हैं, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, और गांधी शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है? भारत सरकार। कौन प्रदान करेगा? भारत सरकार प्रदान करेगा। तो गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जूलियस नेरे। कब मिला है? 1995 में। देखो कहता है सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता। सर ये हमारे टाइपिस्ट का कमाल है जो आप देख रहे हो, एरर। यानी सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत रूप से जो हैं वो असगर अली इंजीनियर 1997 में। कब? 1997 में। सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, ये संगठन है वो देख लो, ये क्या थे? ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति को मिला है असगर अली इंजीनियर को। और यहां अगर हम बात करते हैं संगठन की, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, बात करते हैं तो कौमी एकता ट्रस्ट को 1997 में। तो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ कम्युनल हार्मोनी अवार्ड, सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एक संगठन की बात करेंगे तो कौमी एकता ट्रस्ट 1997। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, देखो कितने सारे अवार्ड हैं। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर 2012 में, पंडित रविशंकर 2012 में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो पहले अवार्डी हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, माफी चाहेंगे जो मैंने चंद्रशेखर वाली बात कही है। देखो यार एक्चुअली क्या है कि बोलते बोलते ना, मतलब कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, लेकिन अच्छा एजुकेटर वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। और मुझे कतई ये गुरेज नहीं है कि मैंने वो गलती बताया तो उसे मैं बिल्कुल स्वीकार कर लूँ। ठीक है बच्चे, देखो अभी तक अगर आप कॉन्सेप्ट पर जोर नहीं देते हैं तो बिल्कुल जोर दीजिए। जहाँ पर SSC अभी CHSL आ गया है, अगर आपका पेपर बचा हुआ है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, 2.5-3 महीना बहुत है। और नहीं तो देर मत करिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं CHSL, MTS, CGL को टारगेट करते हुए। और UP SSC की अगर आप तैयारी करते हो तो 10 तारीख से कोर्स आ गया है UP SSC लेखपाल को लेके, ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए डियर। ठीक है, तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ये मैं बता रहा हूँ, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगा यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, GS, एवरीथिंग। तो आप हम मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो कि सर मैं बिल्कुल जुड़ना चाहता हूँ UP SSC से। ठीक है बच्चे,
चलिए तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही जीके एक नज़र के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।